तो गाइज आज सुबह में फ्री ट्रेड्स की बारिश देखने को मिल रही है, हर जगह फ्री ट्रेड्स, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो डेरिवेटिव है, इंडेक्स है, ऑप्शन है, हर जगह फ्री ट्रेड्स। ये हमारे सामने TCS का स्टॉक, TCS सितंबर फ्यूचर, यहां पे मार्केट के खुलते ही फ्री ट्रेड देखने को मिला। अगला है भारतीय एयरटेल, यहां पे भी देखिए, यहां पे भी हमें फ्री ट्रेड देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल के सितंबर फ्यूचर में मार्केट के खुलते ही। उसके बाद है HDFC फ्यूचर, यहां पे भी फ्री ट्रेड है और ज्यादातर ये मार्केट के खुलते ही हो रहा है गाइस। अगला देखिए यहां पे, ये बैंक निफ्टी सितंबर 36200 की कॉल है, यहां पे भी हमें फ्री ट्रेड देखने को मिला, चाहे ऑप्शंस है, चाहे स्टॉक्स है, हर जगह गाइस हमें फ्री ट्रेड देखने को मिल रहा है। इंडेक्स, स्टॉक, कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जहां पे फ्री ट्रेड नहीं हो रहे हो आजकल। इसके अलावा यहां पे देखिए रिलायंस सितंबर फ्यूचर, यहां पे भी फ्री ट्रेड। तो गाइस फ्री ट्रेड जो है आजकल नॉर्मल हो चुका है, पर फिर भी ट्रेडर्स नुकसान उठा रहे हैं इस चीज का। ये चीज समझाते हुए काफी टाइम हो चुका है कि फ्री ट्रेड से कैसे बचना है, फ्री ट्रेड क्या होता है, अब तक सभी को पता चल जाना चाहिए इस बारे में, पर फिर भी डेली ऐसे स्क्रीनशॉट्स आते हैं जहां पे कोई ना कोई ट्रैप हो जाता है, जहां पे किसी ना किसी का नुकसान हो जाता है, वहां पे लॉस हो जाते हैं, लॉसेस के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं कि आज मैंने एक लॉट में काम किया, मेरे को 50,000 का नुकसान हो गया, मुझे 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो गाइस इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस जो है हमें ज्यादा फैलानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा हर एक ट्रेडर को कि ये फ्री ट्रेड क्या है और इसकी वजह से कैसे नुकसान हो सकता है। तो गाइस बार बार ये चीज समझाई जा रही है, बोली जा रही है कि फ्री ट्रेड से बचने का क्या तरीका है, हमें स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस नहीं लगाना, उसी की वजह से बड़े नुकसान हो रहे हैं। स्टॉप लॉस एट लिमिट प्राइस लगाओगे तो वहां पे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, वहां पे इसका इंपैक्ट नहीं हो सकता। तो प्लीज 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 स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस यूज करना छोड़ना पड़ेगा हमें, छोड़ो उसको, देखो कि उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, स्टॉप लॉस एट लिमिट प्राइस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और अगर हम ये चीज नहीं करते, अगर हम स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस नहीं लगाते तो फ्री ट्रेड हमें इंपैक्ट नहीं कर सकता। पर फिर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेली बेसिस पे नुकसान हो रहे हैं, शायद उन तक ये मैसेज अभी तक नहीं पहुंच पाया, मे बी दैट कुड बी द रीजन। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं जो आपको दिखते हैं आपके ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, जो कि ट्रेडिंग करते हैं, जिनको फ्री ट्रेड के बारे में नहीं पता, तो प्लीज उन्हें बताइए और साथ ही साथ इसका क्या सोल्यूशन है वो भी बैठिए और उनके साथ डिस्कस करिए और उनको समझाइए। तो भाई ये बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस, ये बताना और लोगों को समझाना कि इससे कैसे बचा जा सकता है और ये फ्री ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। और गाइज इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि फ्री ट्रेड जहाँ पे जिस स्ट्राइक प्राइस में होगा और वहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस ऑर्डर लगा है तो आपका जो सौदा है काफ़ी ऊपर के भाव पे कट सकता है। उसका रीज़न भी काफ़ी बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, क्या रीज़न होता है, क्या लॉजिक होता है उसके पीछे। एक ऑपरेटर सारा का सारा माल वहाँ पे खरीद लेता है, जितने भी सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं सारा का सारा माल खरीद लेता है और वहाँ पे आपका जो आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है वो ट्रिगर होता है, पर वहाँ पे सेलर नहीं होते, सिर्फ एक ही सेलर होता है वो खुद, और उसने काफ़ी ऊपर के भाव पे वो सौदा लगा रखा होता है। सारा का सारा माल खरीद के वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और उस भाव पे बिकेगा जिस भाव पे वो बेचना चाहता है। मतलब अगर कोई स्टॉक या कोई स्ट्राइक प्राइस या कोई फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ 100 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है तो वो 2,000 के भाव पे जाके भी आपका माल वहाँ पे बिक सकता है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है पर लॉट पर क्वांटिटी 1900 रुपये का, राइट, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान है। Conceptual. Tricky date, बड़े दिमाग से है खेला शतरंज का ये खेल, रानी को दबोचा घोड़े को दिया है पेल, सेबी के रूलों को बना रखा है इन्हें खेल, अरे थोड़े ही दिनों में रुक जाएगी ये रेल। बड़े दिमाग से है खेला शतरंज का ये खेल, रानी को दबोचा घोड़े को दिया है पेल, सेबी के रूलों को बना रखा है इन्हें खेल, अरे थोड़े ही दिनों में रुक जाएगी ये रेल। चवन्नियों में लेके इन इलाकों में है सेल, ये जिस थाली में खाया इन्हें उसमें ही होल, कि हम छोटे मोटे ट्रेडरों की गलती नहीं है, बस पैसे पूसे वालों ने ये सारे झोल किए, झोल बोल भाई है ये कुछ भी नहीं है, बस पैसों की है माया बाकी सब ये सही है, मुझे समझ नहीं आ रहा अब करूँगा मैं क्या, अरे NSE से भी लोहा में बचा। Conceptual.